हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने मेजरिंग यूनिट टॉपिक से रीजनिंग में क्लास सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक एमसीक्यू लेकर आई थी और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच टॉय कॉस्ट इज द मोस्ट, इनमें से कौन से टॉयस का दाम सबसे ज़्यादा है। टॉयस ए रुपीज़ 56, टॉयस बी 89, टॉयस सी 272 एंड टॉय डी 290। तो इसको हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ टॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम इसके कॉस्ट को देखते हैं तो हमारा हो जाता है 272 रुपीस, 219 रुपीस एंड रुपीस 89 एंड रुपीस 56। सो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है हमारा हो रहा है 272 रुपीस एंड कॉस्ट सी हॉर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच टॉय कॉस्ट द लेस्ट, इसमें भी हमें देखना है कौन से कॉस्ट की प्राइस सबसे कम है। इसको भी हम टॉयस के कॉस्ट प्राइस को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इज हो जाएगा हमारा यहाँ पर रुपीस 995, नेक्स्ट रुपीस 825, फिर रुपीस 795 एंड रुपीस 680। सो सबसे लिस्ट प्राइस हो जाता है 680, रुपीस 680 जो है इनमें से सबसे लिस्ट प्राइस है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एरोप्लेन सबसे कम रेट में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इफ क्लॉक सोन एट 2 hours 45 minutes, अगर इस घड़ी में 2:45 सो हो रहा है तो वह उसमें से इन ऑप्शन में से सबसे नज़दीक किसके हैं। नियर टू 3, नियर टू 2, ऑप्शन सी बिटवीन 1 and 2 एंड ऑप्शन डी बिटवीन 3 and 4। अब हम इस घड़ी में हम देख लेते हैं हमारा टाइम हो रहा है 2:45, हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार ये घड़ी होगा तो ये हम देख पा रहे हैं सबसे नियर वो किसके हैं। तो सबसे नियर हमारा ये जो है 3 के नियर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नियर 3। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर गुप्ता नीड टू ड्राइव टू टाउन क्यू वाई टाउन पी बाई हिज कार एट ए फ्रॉम बिजनेस मीटिंग, द फिगर बिलो सोन द रूट डैट ही कैन टेक। मिस्टर गुप्ता अपनी कार से बिजनेस मीटिंग के लिए टाउन पी से होते हुए टाउन क्यू जाना चाहते हैं तो वो कितने डिफरेंट वे से जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं टाउन ए से टाउन पी जाने के लिए मिस्टर गुप्ता 3 वे से जा सकते हैं, 1, 2 and 3। उसी प्रकार टाउन पी से टाउन क्यू की तरफ जाने के लिए 1, 2, 3 and 4, ये 4 वे में जा सकते हैं। सो इसको हम लिखकर इस प्रकार समझते हैं, नंबर ऑफ रूट फ्रॉम ए टू पी 3 वे, नंबर ऑफ रूट फ्रॉम पी टू क्यू 4 वे। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 = 12। इस प्रकार यहाँ ये 3 वे में जा पा रहे हैं और यहाँ पे 4 वे में जा पा रहे हैं। सो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ डिफरेंट वे हो जाता है 3 + 3 + 3 + 3 = 12। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 18, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर मीरा गो टू स्कूल इफ सी एट हर होम. मीरा अपने घर से स्कूल कितने वे में जा सकती है. मीरा हाउस से लाइब्रेरी, ये टू वे में जा रही है, यहाँ पर टू वे हो जाएगा. एंड लाइब्रेरी से स्कूल वह तीन रास्ते से या तीन वे से जा सकती है. तो इक्वल टू थ्री. सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे हो जाएगा 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6. तो 6 वे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे इक्वल टू 6. सो 6 वे से वह हाउस से स्कूल जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 19. पायल सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन 13 September 2000 something. मायराज बर्थडे फॉल्स ऑन 4th डे आफ्टर पायल्स बर्थडे. ऑन विच डे विल मायरा सेलिब्रेट हर बर्थडे. पायल अपना बर्थडे 13 September, इस कैलेंडर के अनुसार हम देखेंगे 13 September को सेलिब्रेट करती है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मायरा जो है अपना बर्थडे पायल के बर्थडे के 4th डे के बाद सेलिब्रेट करती है. तो पायल का बर्थडे आ रहा है 13 September और मायरा जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है पायल के बर्थडे के 4th डे बाद. तो 13 + 4th डे आफ्टर, तो यह हो जाएगा 17th. सो मायरा अपना बर्थडे 17th को सेलिब्रेट करती है. तो यहाँ पर हो जाएगा 17, और 17th को हम देख पा रहे हैं क्या है, वेडनेसडे. सो मायरा जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी कब, वेडनेसडे को. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20. देयर आर 3 फ्रेंड्स, सोनिया, अवनी एंड दीक्षा. सोनिया इज टॉलर देन दीक्षा. सोनिया दीक्षा से टॉलर है. दीक्षा इज नॉट टॉलर देन अवनी. दीक्षा जो है अवनी से टॉलर नहीं है. एंड सोनिया इज नॉट द टॉलेस्ट. सोनिया क्या है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट नहीं है. तो हु इज टॉलेस्ट, इसको हम जो है ऑर्डर फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट में हम करते हैं, टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट. टॉलेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन हो रही है, सोनिया दीक्षा से बड़ी है, और दीक्षा जो है अवनी से बड़ी नहीं है. और सोनिया सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन हो गई, अवनी. तो ये हमारा सबसे बड़ी अवनी है टॉलेस्ट में, फिर सोनिया एंड दीक्षा. सो हु इज़ द टॉलेस्ट, तो अवनी इज द टॉलेस्ट. क्वेश्चन नंबर 21. सेलेक्ट द लाइटेस्ट बॉक्स. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सबसे हल्के बॉक्स को, लाइटेस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं P इक्वल टू 2Q एंड Q इक्वल टू 2R एंड S इक्वल टू 2P. अब इसको हम अरेंज करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, P जो है Q से हैवियर है, एंड Q जो है R से हैवियर है, और S जो है P से हैवियर है. सो ऑर्डर फ्रॉम हैवियस्ट टू द लाइटेस्ट क्या हो जाएगा इसमें, इस प्रकार हमारा सबसे लाइटेस्ट जो हो जाएगा S, P, Q एंड R. सो R इज लाइटेस्ट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 22. विच क्लॉक सो 14 minutes past 2:05. इनमें से कौन से क्लॉक में 40 minutes past 2:05. तो 40 minutes past 2:05 इज द 40 minutes after 2:05, डेट इज कितना हो जाएगा 2:45, अर्थात 2:05 हो रहा है, उसके 40 मिनट बाद कितना बजेगा 2:45, यानी 2:45. क्लॉक 2:45 कौन सा पिक्चर शो हो रहा है, ऑप्शन ए 2:45. 40 मिनट पार्ट्स 40 मिनट्स
पास्ट 2:05 इज 40 मिनट, आफ्टर 2:05 डेट इज 2:45। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कैट इज हैवियर अमंगेस्ट ऑल। यहाँ पर ये तीन पिक्चर्स दिया गया है, इसमें हमें देखना है, पहले पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कैट इज हैवियर देन रैट। इसको हम लिख कर इस प्रकार समझेंगे, कैट इज हैवियर देन रैट, एंड सेकेंड हो जा रहा है हमारा रैट इज हैवियर देन क्लॉक, सॉरी रैट इज हैवियर देन बटरफ्लाई। सो रैट इज हैवियर देन बटरफ्लाई। एंड नेक्स्ट थर्ड में हम देख रहे हैं डॉग इज हैवियर देन कैट, एंड डॉग इज हैवियर देन कैट। ऑर्डर फ्रॉम द हैवियस्ट टू द लाइटेस्ट इज डॉग, कैट, रैट एंड बटरफ्लाई। सो डॉग इज द हैवियस्ट देन, डॉग इज हैवियर देन रैट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉग इज हैवियर देन रैट। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर, हाउ मेनी वे डिफरेंट कैन बुजो रीच टू द बोन्स। ये डॉग है, ये हड्डी की तरफ कैसे पहुंचेगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वन से सी, ए सी जी एच, वन वे हो गया, ये क्या हुआ ए सी जी एच, एक रास्ता। दूसरा जो हो जाता है ए सी डी ई एफ जी एच, सेकेंड वे हो गया, सेकेंड वे में क्या हो गया ए सी डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट थर्ड वे हो जाएगा ए सी डी ई एफ एच, ये हमारा हो गया थर्ड वे, क्या हो गया ए सी डी ई एफ एच। नेक्स्ट हमारा बन रहा है ए से बी, बी डी ई एफ एच, ये हमारा हो गया फोर्थ वे। फोर्थ वे क्या हो गया हमारा ए बी डी ई एफ एच। एंड फिफ्थ वे जा सकते हैं ए से बी, बी डी ई एफ जी एच, ये हमारा हो गया फिफ्थ वे। फिफ्थ वे क्या हो गया ए बी डी ई एफ जी एच, ये फिफ्थ वे से बुजो जो है बोन्स की तरफ जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल जस्ट आफ्टर टुमारो। अगर यस्टरडे को ट्यूसडे था तो व्हाट डे जस्ट आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद क्या आएगा, इसको हम इस प्रकार देखते हैं। यस्टरडे इज ट्यूसडे एंड टुडे इज वेडनेसडे। यस्टरडे ट्यूसडे था तो आज क्या हो जाएगा वेडनेसडे, टुमारो इज थर्सडे एंड डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा फ्राइडे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्राइडे। आज के लिए इतना ही, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएँ। साथ ही हमारे चैनल पर इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक यू।